नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द ऑड ट्रेंड पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम बदलाव के बारे में बात करेंगे जो डाल सकते हैं आपके जीवन पर प्रभाव। 1 अक्टूबर से होंगे ये अहम बदलाव जो डालेंगे आपके जीवन पर प्रभाव। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा के जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेकबुक, ऑटो डेबिट भुगतान, LPG सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। पहला, महंगी हो सकती है LPG। 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनी घरेलू LPG के रेट जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में भारी वृद्धि को देखते हुए गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एक बार फिर $80 के करीब पहुंच चुका है। इसके साथ ही कच्चा तेल 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ये $78.24 प्रति बैरल पर पहुंचा था। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने तय हैं। दूसरा, खाने में बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने 1 अक्टूबर तक पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है। खागा पदार्थों से जुड़े दुकानदारों व सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को इस पर बैन बताना होगा कि वह किन खागा पदार्थों पर उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है। तीसरा, नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक। अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाता धारकों के खाता नंबर, चेकबुक, IFSC कोड व IMIR कोड बदल गया। अब तक ग्राहक पुराने चेकबुक का इस्तेमाल कर ले रहे थे, लेकिन 1 अक्टूबर से वो ऐसी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाता धारकों को नया चेकबुक लेना होगा। चौथा, पेंशन नियम में होगा बदलाव। अगले महीने की पहली तारीख से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल रहा है। अगले महीने से देश के सभी चेकबुक परिश्रमों जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। हमारे साथ बने रहिए द ऑड ट्रेंड पर। धन्यवाद।